लास्ट क्लास तक हमने प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी, अब हम इसका पार्ट टू करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के प्लेइंग विद नंबर्स का। तो क्लास सिक्स के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते, भारत माता की जय। देखो वेरियस टाइप के आपके नंबर होंगे, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो ये सारे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में सी वो इरोस्टेनिस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते इवन नंबर की, जो आपका टू से डिवाइड हो जाए, या फिर आप यू भी कह सकते हो जो आपका टू का मल्टीपल हो, जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, जितने भी आगे चलते जाएंगे आपके जो इवन नंबर होंगे वो कौन से नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे। जो नंबर टू से डिवाइड हो जाए वो सारे आपके इवन नंबर होंगे या फिर टू का मल्टीपल हो। उसके बाद में अगर हम बात करें ओड नंबर, देखो ये जस्ट इसका ऑपोजिट है, इसमें टू से डिवाइड होगा और इसमें वो नंबर आएंगे जो टू से डिवाइड नहीं होंगे, जैसे 1, 3, 5 में आप टू से करो फुल टाइम डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। 7 में करो 9, 11, 13, 15, 17, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो। नेक्स्ट है आपका देखो प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। पहले प्राइम नंबर समझते हैं। प्राइम नंबर आपके वो होंगे जो या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो देखो ईच ऑफ द नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, एक तो खुद होगा, जैसे आप 3 ले लो, 3 का फैक्टर क्या होगा, एक तो खुद ही होगा 3 और एक उसका 1 होगा। 2 भी आपका प्राइम नंबर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो इवन में। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, देखो 13 का फैक्टर निकालो तो 13 या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से होगा, तो सेम सारे प्राइम नंबर का रूल यही होगा। उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर, देखो ये आपको थोड़ा समझ में कम आता है बट आज आ जाएगा आपको, ये मेरा वादा है। 2 प्राइम नंबर, सबसे पहली चीज आप इसमें समझो, 2 प्राइम नंबर लो, जैसे 3 ले लो एक और एक ले लो 5 ले लो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 2 आना चाहिए हमेशा। कोई भी 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर आपका 2 आ रहा है तो वो आपका ट्विन प्राइम होगा, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, वो जो डिफरेंस है ना वो कंपोजिट ही तो है। जैसे अब आपने 3 और 5 इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 आपका कंपोजिट नंबर है। 5 और 7, 6 आ रहा है, कंपोजिट नंबर क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी आपको, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। 11 और 13 के बीच में क्या आ रहा है, 12 फैक्टर आ रहा है, 12 नंबर आ रहा है, 12 भी आपका कंपोजिट नंबर है। उसके बाद देख लो सबसे सबके बीच में देख लो, एक एक कंपोजिट नंबर जो आ रहा है ना आपका वो सारे कंपोजिट नंबर है, और इनका डिफरेंस देखो 5 और 3 का 2 आ रहा है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2, इसका भी 2, और भी नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जिसके 71 और 73 ले लो, बहुत सारे प्राइम नंबर हो सकते हैं, लेकिन उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। और बीच का नंबर आपका जैसे 71 और 73 के बीच में क्या आ रहा है, 72, जो आपका कंपोजिट नंबर है। तो यही चीजें क्या है, 2 प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम इफ देयर ओनली 1 कंपोजिट नंबर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट चलो बात करते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम ट्रिपलेट की, ठीक है ना। 5th और 6th, कंपोजिट नंबर क्या होता है आपके, जिसमें मोर देन 2 फैक्टर हो। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होगा वो आपका 4 होगा। देखो 3 लेते हैं मान लो, अगर आपको कि नहीं सर मैं तो 3 लेके बताऊंगा उसको कंपोजिट नंबर निकल जाएगा, तो 3 में देखो फैक्टर क्या निकलेगा, एक तो उसका 3 निकलेगा और एक 1 निकलेगा। तो मैंने क्या कहा, मोर देन 2 फैक्टर, 4 के फैक्टर निकालो, 1, 2 और 4, तो मोर देन 2 हो गए ना। तो जिसके भी आपके मोर देन 2 फैक्टर हो वो सारे आपके कंपोजिट नंबर होंगे, जैसे 4, 6, 8 है ना। यहाँ पर 7 क्यों लिया, क्योंकि 7 के 2 ही फैक्टर है, 5 के भी 2 है, 8, 9, 9 के देखो क्या क्या हो जाएंगे, 1, 3, ठीक है ना, और उसके बाद एक खुद ही 9 हो जाएगा। तो ये सारे आपके क्या होंगे, कंपोजिट। तो आपको ध्यान रखना है ऐसा कोई सा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद देखो प्राइम ट्रिपलेट, ये वर्ड आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम में, जब आप ये बनाते हो ना ट्रिपलेट्स, वैसे और भी होते हैं आपके 6, 8 और 10, लेकिन हम प्राइम ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं तो अभी से प्राइम नंबर वाले लेंगे, है ना। तो अब देखो ए सेट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम, 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर आपके कौन से होते हैं, 3, 5 और 7। देखो 3 भी प्राइम है, ये भी प्राइम और कॉन्सिक्यूटिव नंबर भी है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर में ध्यान रखना आपका डिफरेंस सेम होता है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना, डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारे 2 नंबर बाकी है, को प्राइम और परफेक्ट नंबर, उसके बाद हमारे सारे नंबर कंप्लीट, इसके अलावा कोई नंबर नहीं बाकी है आपका। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी 2 नंबर के बीच में हमेशा उसका फैक्टर 1 होगा।
दो नंबरों का फैक्टर हमेशा वन होगा। देखो कॉमन फैक्टर याद रखना, कॉमन फैक्टर जैसे टू और थ्री लो, फाइव और सिक्स लो, थ्री और फोर लो। अब अगर जैसे आपने ले लिया टू और सिक्स, इसके फैक्टर क्या होंगे वन और टू, सिक्स के फैक्टर क्या होंगे वन टू थ्री, तो इसका कॉमन फैक्टर देखो क्या आ गया, टू और टू आ गया और वन वन भी आ गया। तो ऐसे नंबर आपके को प्राइम नंबर नहीं होंगे, समझे। ऐसे नंबर का पेयर बनाना आपको, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर्स, उनके बीच में कॉमन फैक्टर्स जैसे आपका ये भी हो सकता है, एट और नाइन भी हो सकता है, एट के फैक्टर अलग है नाइन के फैक्टर अलग है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा वन आएगा। तो ऐसे कोई दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर वन हो है ना, वही आपका क्या होगा को प्राइम नंबर होगा। डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन, वन से अलावा कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए। परफेक्ट नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आप समझ जाते हो, सबसे इजी आपको लगता है इवन नंबर और ओड नंबर, हाय हाय टू से डिवाइड कर दो, टू से डिवाइड मत करो। उसके अलावा परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर आपके वो होंगे जिसमें किसी भी नंबर का आप फैक्टर निकालो, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालो, उसके जो फैक्टर निकल गए उनको सम करो, वो उस नंबर का डबल होना चाहिए। देखो लैंग्वेज बाद में पढ़ेंगे, पहले समझो सिक्स है, वन टू थ्री सिक्स, इसके फैक्टर सिक्स के फैक्टर ये होंगे, इन सबको एड करो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स कितना है ट्वेल्व, तो ये इस नंबर का डबल होना चाहिए। इसके फैक्टर का जो सम है वो जो नंबर का फैक्टर निकाला उसका डबल होना चाहिए, अगर डबल है तो वो आपका परफेक्ट नंबर है। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज टू टाइम्स द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। ऐसा कोई भी नंबर आप निकाल के देख लो, देखो एट निकालते हैं, चेक करते हैं कि परफेक्ट नंबर है क्या ये, तो इसके फैक्टर क्या होंगे वन टू फोर और एट, यही होंगे, इनको एड करो, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट, तो कितना हो रहा है ट्वेल्व और थ्री कितना फिफ्टीन हो रहा है, तो इसका डबल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आपका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ऐसे आप निकाल निकाल के देखना, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट है आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने, वन आपका न तो प्राइम नंबर है ना आपका कंपोजिट नंबर है, वन आपका सिर्फ क्या है ओड नंबर है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटू प्राइम नंबर जो है आपका, सबसे छोटा लोवेस्ट वो आपका टू है। कोई बच्चा वन मानता है तो आज से ही मानना बंद कर दे, टू माने, ठीक है ना, क्योंकि टू ही है। उसके बाद में आप ये भी कह सकते हो आप सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर, या यू भी कह सकते हो टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी है, ऑल अदर क्या होंगे आपके बाकी के कंपोजिट नंबर होंगे जो इवन नंबर है। नेक्स्ट लास्ट मेथड है आपका सीम ऑफ इरेटोस्थेनिस। देखो इरेटोस्थेनिस जो एक थे ना आपके, ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ज्यादातर आपके पता है ये ग्रीक मैथमेटिशियन ही होता है, फाउंड एक सिंपल मेथड निकाला इन्होंने, इन्होंने क्या करा वन से लेकर हंड्रेड तक की एक टेबल बना दी। बचपन में भी ये सिखाया जाता है कि भैया हंड्रेड तक काउंटिंग याद है तो वो इंटेलिजेंट बच्चा, वरना डम बच्चा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, सिंपल मेथड निकालने के बाद उसमें से प्राइम नंबर निकालना सिखाया। देखो प्राइम नंबर निकाला, उसके अंदर से डेट नॉट प्राइम, दिस इज मेथड इज नॉन एज सीम ऑफ इरेटोस्थेनिस, मतलब प्राइम नंबर को तो सर्कल कर दिया और जो प्राइम नंबर नहीं थे उसको क्रॉस कर दिया, बस इतना सी चीज है। तो देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो या तो खुद से डिवाइड हो या वन से डिवाइड हो, तो देखो ऐसे ऐसे नंबर निकाल दिया इन्होंने, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है, तो टू थ्री बाकी वन फोर सिक्स एट नाइन टेन, ये आपके प्राइम नंबर नीचे, या तो चाहो तो आप इसको ऐसे रहने दो या फिर कट कर दो, है ना, कट कर दो। तो प्राइम नंबर पर मैंने सर्कल बना रखा है, बाकी सारे आपके नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो टू थ्री फाइव सेवन प्राइम नंबर है, उसके बाद इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन है, उसके बाद देखो आपका ट्वेंटी थ्री है ट्वेंटी नाइन है ना, उसके बाद थर्टी वन थर्टी सेवन, उसके बाद फोर्टी वन फोर्टी थ्री और फोर्टी सेवन, उसके बाद में फिफ्टी थ्री और फिफ्टी नाइन, सिक्सटी वन सिक्सटी सेवन, सेवेंटी वन सेवेंटी थ्री और सेवेंटी नाइन, उसके बाद एट्टी थ्री और एट्टी नाइन, और लास्ट में नाइनटी सेवन। तो ये वन से लेकर हंड्रेड तक आपके यही प्राइम नंबर होते हैं, काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव, मतलब कितने नंबर है टोटल आपके, ट्वेंटी फाइव ऐसे नंबर है जो आपके प्राइम नंबर होंगे वन से लेकर हंड्रेड तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट थ्री के, बहुत सारा प्यार दो, बाय बाय, लव यू ऑल बेटा।